हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मतलब कि गर्भावस्था जब हमें आ गई है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जो कि हमारी प्रेगनेंसी के में बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे कि शुरुआती जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, पहली बार हमारे शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें मॉर्निंग सिकनेस की समस्या सबसे पहले होती है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस में आपको जो है आपका जी मचलाएगा, आपको उदासी सी रहती है और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है और आपका शरीर भारी भारी सा आपको लगता है। इससे बचने के लिए आप जो है नींबू पानी का यूज कर सकते हो। ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, ये सब समस्याएं उन्हें होती हैं तो वो हॉस्पिटल में जाएंगी और वो तरह तरह की दवाइयां जो है लेना पसंद करती हैं। गर्भावस्था में किसी भी तरह की दवाई जो है बिना डॉक्टर के आपको नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआती 3 महीने जो होते हैं वो एक माँ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस समय उसके बच्चे का विकास हो रहा होता है। अगर इस समय लापरवाही बरती जाती है तो बच्चा जो होने वाला बच्चा है वो विकलांग भी पैदा हो सकता है, उसको न्यूरल ट्यूब की समस्या हो सकती है। तो हमें इन 3 महीनों पे तो ध्यान रखना ही है। उसके अलावा पूरे 9 महीने के पीरियड में क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी आएगी तो आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पर डॉक्टर आपको पूरे 9 महीने की जो प्रक्रिया होती है, 9 महीने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन से टेस्ट कराने हैं, ये इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। हॉस्पिटल में जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद कुछ टेस्ट जो है डॉक्टर आपको लिखते हैं, आपको वो टेस्ट जरूर कराने चाहिए, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर का टेस्ट हो गया और आपका HIV का टेस्ट हो गया और यूरिन टेस्ट और कुछ और भी टेस्ट होते हैं, अगर डॉक्टर को जरूरत पड़ती है तो वो आपको लिखते हैं। अल्ट्रासाउंड भी पूरे 9 महीने के दौरान 1-2 बार आपको बच्चे का विकास चेक करने के लिए डॉक्टर लिखते हैं, वो आपको करवाया जाता है। तो गर्भवती होने के बाद आपको कुछ टेस्ट जरूरी होते हैं, जिससे कि आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है कि कोई कमी तो नहीं है हमारे शरीर में। जैसे कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है, खून पर्याप्त मात्रा में आपके नहीं है, तो आपको होने वाली संतान पैदा करने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको आयरन फॉलिक की टैबलेट्स दी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आपको डाइट कैसी रखनी है। तो डाइट जो है किस तरीके की हो इसके बारे में हम बात करते हैं। डाइट आपको जो है फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको जो भी खाना खाएं वो आप ताज़ा खाएं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस गर्भावस्था के समय हमारी जो पाचन क्रिया है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो हमें खाना हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश करनी चाहिए और फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। और जब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए, बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हो, तो ज्यादातर हमारे घर में सुनने में आता है, हमें बड़े लोग कहते हैं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा खाओ या फिर 2 लोगों के लिए खाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा खाना है, आपको क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, मतलब आपको पौष्टिक भोजन मिले इसका ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप खाना तो ज्यादा खा रहे मगर उस प्लेट में पौष्टिकता नहीं है, आप जो है फास्ट फूड खा रहे हो या फिर आपको जो सिर्फ अच्छा लग रहा है वही खा रहे हो और उसमें पौष्टिकता नहीं है। तो आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, आयरन हो। तो आप ये पौष्टिकता वाले भोजन करिए और ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन कीजिए, ताज़ा खाना खाइए, दालें खा सकते हो आप, पनीर खा सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन है तो दालें खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा वगैरह खा सकते हो। और इस गर्भावस्था के दौरान आपको जो है अपने साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो अपनी हॉबीज़ के कुछ काम कर सकते हो जो आपको पसंद है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, जिससे आपका जो है स्ट्रेस दूर होगा, क्योंकि 9 महीने के दौरान जो है हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन महिला के शरीर में होते रहते हैं,
जिससे कभी कभी उसको मानसिक तनाव भी महिला को हो जाता है। तो इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप कुछ भी अपना जो आपको पसंद हो किताबें पढ़ सकते हो, आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो जो कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। और आपको जो सावधानियां बरतनी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो हमारे घर में भी बताते हैं और डॉक्टर भी बताते हैं, वो आपको जैसे कि आपको अगर आप हाई हील पहनना पसंद करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाई हील नहीं पहननी चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो रेगुलर हम पहले नॉर्मल तरीके से सीढ़ी चढ़ना उतरना करते थे, तो उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, रस्सी कूदना हो गया, ज़्यादा डांसिंग करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उससे हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सब सावधानियाँ हैं जो आपको प्रेगनेंसी के समय बरतनी चाहिए। अच्छी डाइट लेनी चाहिए, समय समय पे टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें आपको टिटनेस का भी टीका लगता है जिससे माँ और बच्चे को टिटनेस से बचाया जा सके, तो ये आप ज़रूर लगवाइए। और आप नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जाके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप गर्भवती हो और आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे हॉस्पिटल में जाकर, तो आपको पूरे 9 महीने के पीरियड की जानकारी दी जाती है वहाँ पर। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, सारी सावधानी बरत के, सारे विटामिन लेके और खुश रह के हम प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं और एक स्वस्थ संतान को पैदा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी से कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।